आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है भिगोया हुआ चने की दाल, मिक्सी की जार लिया है। इसमें चने की दाल पैक करें और इसे ग्राइंड करें। एक चम्मच पानी डालें और इसे ग्राइंड करें। इसे मैंने एक चम्मच पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसे बाउल में रखें। आधे भाग को अलग कटोरी में रखें। हल्दी पाउडर, जीरा, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स करें। तेल डालकर एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे मैंने फेंट लिया है, तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़ी। गैस की आंच मीडियम रखें। पकौड़ी हमारी फ्राई हो गई है, इसे मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच सरसों का तेल, ग्राइंड किया हुआ बेसन, उसे मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। इसमें पानी डालें और इसका घोल तैयार करें। पैन गर्म हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, राई, लाल मिर्च, तेज पत्ता, करी पत्ता, चुटकी भर हींग डालें, हल्दी पाउडर, बेसन का घोल, पानी डालें और इसे लगातार चलाते रहें। इसके लिए मैंने दो चम्मच दही लिया है और इसे मिक्स करें। इसमें पानी डालें। कढ़ी हमारी खौल गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ दही का घोल। स्वाद अनुसार नमक, फ्राई किया हुआ पकौड़ी डालें, हरा धनिया। ये हमारी चटपटी कढ़ी बनकर तैयार है। इसे लंच या डिनर में सर्व करें।